राहुल गांधी को लोकसभा की सदस्यता से अयोग्य घोषित किए जाने के बाद सियासी संग्राम छिड़ गया है। एकजुट विपक्ष ने सरकार के खिलाफ हल्ला बोल दिया है। इस बीच 3 अप्रैल के बजट सत्र के दूसरे चरण की शुरुआत हंगामेदार रही। संसद के दोनों सदनों में विपक्ष ने जोरदार हंगामा किया। हालांकि विपक्ष के हंगामे के कारण राज्यसभा की कार्यवाही भी ज्यादा नहीं चल पाई। राज्यसभा में हंगामे के बीच कॉम्पिटिशन अमेंडमेंट बिल पारित कर दिया गया। इसके बाद सभापति जगदीप धनखड़ ने सदन की कार्यवाही 5 अप्रैल की सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित करने की घोषणा की। Meet at 1100 hours on Wednesday, the 5th April 2023. वहीं लोकसभा में विपक्ष के हंगामे के बीच कार्यवाही जारी रखी गई। विपक्ष के सदनों ने अडानी मुद्दे को लेकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी की, जिसके बाद लोकसभा को भी स्थगित कर दिया गया। आपको बता दें कि जब से बजट सत्र का दूसरा चरण शुरू हुआ है, तब से लगातार सत्ता पक्ष और विपक्ष आमने सामने हैं, लगातार एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं।